नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपक लोनी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर भजन, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसको आज की इस वीडियो में, तो जो भजन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, हमें दो लाइन सीखनी है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद एक ट्यूटोरियल वीडियो आ रही है, लगभग 2 या 3 दिन के बाद आज एक ट्यूटोरियल वीडियो आ रही है, तो उसके लिए रियली सॉरी, थोड़ा सा बिजी था। बाकी बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सॉन्ग पर रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं सब पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। और लेकिन कब बनाऊँगा मुझे खुद नहीं पता है, तो लेकिन हाँ मैं बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, सब पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो सीखते हैं जो इसकी पहली लाइन है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, उसकी शुरुआत जो है ग से होगी। तो पहले इतना देखिए, शाम तुमसे मिलने का, ग ग ग रे ग रे सा सा। नेक्स्ट लाइन, सत्संग ही बहाना है। सा 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 रे रे सा गा। दोनों लाइन देख लीजिए, योगी पहली लाइन, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। नेक्स्ट लाइन, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। तो पहले इतना देखिए, दुनिया वाले क्या जाने, इस लाइन में बस दो सुर यूज होंगे, प और ध। तो देखिए, प प प प प प ध प। दुनिया वाले क्या जाने, नेक्स्ट लाइन, ये रिश्ता पुराना है। पूरी लाइन देखिए, ये हो गया। उसके बाद वही, ये लाइन वापस, ठीक है। तो इतना ही वैसे हमें सीखना होता है, जैसे अंतरे की तरफ बता देता हूँ अंतरा कैसे प्ले होगा। तो जैसे अंतरे की लाइन है, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है, गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। तो देखो, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, ये लाइन सेम है जिस पर हमने प्ले किया था, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है, तो ये उसी के सरगम पर है। हाँ, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया। उसके बाद, गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। तो ये लाइन डिट्टो प्ले होगी जिस पर हमने प्ले किया था, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो अगर आप एक बार सॉन्ग सुन लोगे तो सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपने सॉन्ग मतलब भजन जो है वो सुना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, जिन्होंने नहीं सुना वो भी जाके एक बार सुन लेना।
सॉन्ग क्या है, मतलब जो मैंने नोट्स बताया आपको वो तैयार करने, उसके बाद उसको जिस पैटर्न में वो गाया गया है उस पैटर्न में आपको प्ले करना है। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, इजीली जो है आप सीख जाओगे, ठीक है? तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी बहुत सारे सॉन्ग पर रिक्वेस्ट आ रही है, मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा। टेंशन मतलब मैं तो भूल भी गया हूँ कि किन किन पर वीडियो बनानी है, बट मैं बनाऊंगा, और कब बनाऊंगा पता नहीं, बट बनाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग टेंशन मत लो, सब पर बारी बारी से वीडियोस बनेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।